तो आप लोगों को डायमेंशन बता रहे थे और डायमेंशन में यूज ऑफ डायमेंशन बता दिए। पहला यूज था टू गेट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करना। दूसरा यूज था टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, किसी भौतिक संबंध की सत्यता जांचना। तीसरा यूज था टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए टू गेट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज, दो या दो से अधिक राशियों में संबंध प्राप्त करना। और चौथा यूज था टू चेंज द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। अब यहाँ पर जब डायमेंशन पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि मात्रक भी डायमेंशन से मिल जाता है, फॉर्मूला का सत और असत होना भी डायमेंशन से ही पता चल जाता है, कोई भी फॉर्मूला डायमेंशन से ही निकल जाता है। कोई भी सिस्टम एक यूनिट दूसरे यूनिट में डायमेंशन से ही बदल जाता है तो बाकी क्या रह जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं रह जाता है। तो मैं बताऊं कि जितनी बात डायमेंशन में कह रहे हैं वो सारी बातें अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो अपने आप में पूरा नहीं है, अधूरा है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, और वो क्या है कि लिमिट ऑफ वर्किंग ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन के कार्य क्षेत्र की सीमा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सभी भौतिक राशियों का मात्रक, पहले का यही कहा कि बीमा द्वारा सभी भौतिक राशियों का मात्रक प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता, बीमा द्वारा केवल उन्हीं भौतिक राशियों का यूनिट प्राप्त किया जा सकता है जो मास, लेंथ और टाइम के मिलने से बना हो। मास, लेंथ और टाइम आपको फिजिकल क्वांटिटी तो सात बताया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या सात बताया था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये इसमें से वह डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो मास, लेंथ और टाइम के मिलने से बना हो उसी का यूनिट ये बता सकते हैं, उससे आगे वाले का यूनिट ये नहीं बता सकते हैं। यानी वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मास, लेंथ, टाइम हो उसी का ये यूनिट बता सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर, जिसमें वो ऑप्टिक इंटेंसिटी, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर इत्यादि मिला हुआ हो उसका यूनिट ये नहीं बता सकते। तो एक तो सीमा यहाँ पर हो गया ना कि जो फिजिकल क्वांटिटी है
उसमें से सभी फिजिकल क्वांटिटी का ये मात्रक नहीं बता सकते, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का ये यूनिट बता सकते जो मास, लेंथ और टाइम के मिलने से बना हुआ। तो क्या हो गया कि एक सीमा हो गया कि इसके इधर वाले का ही आप यूनिट बता सकते हो, इधर वाले का नहीं बता सकते। तो ये इनका एक यूनिट बताने का सीमा हो गया। और इसी तरह से नंबर दो भी ये कर दें कि इस ये डायमेंशन द्वारा केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का स्टडी संभव है जो मास, लेंथ और टाइम के मिलने से बना होता है। अर्थात बीमा द्वारा केवल उन्हीं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी किया जाता है जो मास, लेंथ और टाइम के मिलने से बना होता है। बीमा द्वारा केवल उन्हीं भौतिक राशियों का मात्रक प्राप्त किया जा सकता है जो मास, लेंथ और टाइम द्वारा बना होता है। तो दोनों में तो एक सीमा लगा दिया कि मास, लेंथ और टाइम वाला का ये मात्रक बता सकते हैं, इसका स्टडी इनके द्वारा हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाला यानी कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर भी अगर मिला हुआ हो तो बीमा द्वारा उसका स्टडी संभव नहीं है। तीसरी बात है कि डायमेंशन द्वारा उन्हीं भौतिक सूत्रों का प्राप्त किया जा सकता है, उन्हीं भौतिक संबंधों को प्राप्त किया जा सकता है जो गुणा या भाग पर आधारित हो, जो प्लस या माइनस पर आधारित हो उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा कि जो फॉर्मूला हम निकाले थे वो निकाले थे t बराबर 2π अंडर रूट एल बटा जी, वो निकाले थे v बराबर अंडर रूट पी बाई डी, वो निकाले थे कि आपको v बराबर अंडर रूट जी एच, यही सब v बराबर ये f बराबर 6π आर वी ईटा, यही सब फॉर्मूला आपको निकाले थे। इस तरह का फॉर्मूला नहीं निकाले थे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये नहीं निकाले थे, v बराबर u प्लस at नहीं निकाले थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as नहीं निकाले थे। क्यों नहीं निकाले थे? एग्जाम्पल में जांच करने वाला एग्जाम्पल में इसको दिए थे, लेकिन निकालने वाला एग्जाम्पल में नहीं दिए थे। तो वही कहा कि इसके द्वारा केवल उन्हीं फिजिकल रिलेशन को, उन्हीं फिजिकल फॉर्मूलास को प्राप्त किया जा सकता है जो मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग पर डिपेंड हो, जो गुणा या भाग पर डिपेंड हो, जो प्लस या माइनस पर डिपेंड हो उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे कि इसको उठाई एल बाई जी, एल में जी से भाग है, पी बाई डी, पी में डी से प्रेशर में डेंसिटी से भाग है, जी एच ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में हाइट से गुणा है, 6π r v eta यानी गुना है। तो इस सब तरह का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं जो टोटली गुना या भाग पर हो, लेकिन इस तरह का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में प्लस है या माइनस है, तो आप नहीं निकाल सकते। और चौथी बात है
कि डायमेंशन द्वारा केवल उन्हीं नियतांकों का कांस्टेंट का स्टडी किया जाता है जो बीमायुक्त होते हैं, जो बीमाहीन होते हैं उनका स्टडी इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक जगह हमने लिख दिया फोर्स वायरीज आर, आर को भी फोर्स ही बोलते हैं, बाद में बताएंगे। और एक जगह लिख दिया फोर्स वायरीज एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं कि समानुपाती को बराबर में तोड़ा जाता है तो नियतांक करता है, तो के इंटू एफ। और ये यहाँ भी कोई नियतांक आएगा तो के इंटू एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो क्या हो गया कि के बराबर एफ बटा, और ये हो गया के बराबर एफ आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर बराबर एम एल टी पर पावर माइनस दू गुना एल पर पावर दू बटा एम स्क्वायर। ये हो गया के बराबर एम एल टी पर पावर माइनस दू। आर को भी बताया कि बल है, इसको बाद में बताएंगे कि ये आर क्या कैसे बल है। तो यहाँ पर हो गया एक एम से एक एम हट गया तो के बराबर एम पर पावर माइनस वन एल पर पावर तीन टी पर पावर माइनस वन। और यहाँ पर के बर का डायमेंशन हो गया वन। तो ये भी समानुपाती नियतांक है, ये भी समानुपाती नियतांक है। इसको कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक कहा जाता है। इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। तो इस यह नियतांक डायमेंशन लेस है, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन ये नियतांक का डायमेंशन होता है और इसका यूनिट भी होता है। अतः इसका स्टडी बीमा द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका स्टडी बीमा द्वारा किया या। अब क्या यूनिट, यूनिट का अर्थ होता है इकाई, मात्रक। उन स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है जिसका उपयोग भौतिक राशियों की माप तौल में होता है। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडल, और पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब मानी हुई बात है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, मानी हुई बात है। लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा लेता है और उस पर लिखा रहता है 1 kg, तो वो एक स्टैंडर्ड है। छड़ का इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उस पर स्केल बना देता है, बोलता है मीटर है। गाड़ी पर देख रहे हैं एंगल बना हुआ है, लेकिन उसको सेकंड मिनट घंटा मानते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड है, इसका उपयोग माप तौल में किया जाता है, भौतिक राशियों के माप तौल में किया जाता है। माप तौल की चार पद्धति है, चार सिस्टम है। एक को कहते हैं FPS सिस्टम, एक को कहते हैं CGS सिस्टम,
एक को कहते हैं एम के एस सिस्टम और एक को कहते हैं एस आई सिस्टम। ये माप तौल की चार पद्धति है। इस पद्धति को माप तौल के इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं कि एफ से फूट या फीट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। माप तौल की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में या फीट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में नापी जाती है, उसे एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। यानी एफ से फीट, पी से पौंड, एस से सेकंड, एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। इसको अंग्रेज लोगों ने बनाया, यानी इसे ब्रिटेन में बनाया गया, इसलिए इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम। यानी एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक दोषयुक्त पद्धति है, अर्थात इसमें एरर है, बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी है, इसमें दोष है, इसलिए आज के युग में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें दशमलव तशमलव वाला धंधा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं पूछूं कि एक पौंड बराबर, तो सीधा सीधी कुछ नहीं होता बल्कि होता है 453.6 ग्राम। अगर मैं पूछूं एक इंच बराबर तो 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं एक रुपया बराबर तो 16 आना, और पूछूं कि एक आना बराबर तो 6 पाई, और पूछूं कि एक रुपया बराबर तो 100 पैसा। अब देखिए ना, एक आना का तो 6 पाई होता है और 16 आना का 1 रुपया होता है, तो 16×96 पैसा का ना 1 रुपया हुआ, तो 100 पैसा कैसे हो? तो इसलिए इस पद्धति में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग लगभग नहीं करते। आज भी इधर जमीन नापने में और सोना चांदी जवाहरात नापने में इसका उपयोग लोग करता है, काठा दूर, पीठ, इंच वगैरह, जिसका झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये खुद गलत है तो ये सही डिसीजन कहाँ से दे सकता है। उसी तरह से हीरा मोती सोना चांदी के दुकान पर जाइए तो भरसक लोग कहता है आना, भत्ती, पाई, है क्या क्या सब बोलता है, ऑन पौंड, तो वो सब ठीक नहीं है, इसलिए आजकल लगभग इसका उपयोग हम लोग नहीं करते। अब रही बात सीजीएस पद्धति की, तसी से कुछ नहीं, सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। माप तौल की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में
और समय को सेकंड में मापा जाता है, इसे सीजीएस सिस्टम कहा जाता है, सीजीएस पद्धति कहा जाता है। यह माप तौल की छोटी पद्धति है और इसका प्रस्ताव सबसे पहले फ्रांस में रखा गया, इसलिए इसको हम लोग सीजीएस पद्धति के साथ साथ फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। अब रही बात एमकेएस सिस्टम, तो एम से मीटर, मीटर के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। माप तौल की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर द्वारा, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे ही एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम का बड़ा रूप है एमकेएस सिस्टम, अरे इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर कर दें तो 1 मीटर, इसमें द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और 1000 ग्राम कर दें तो किलोग्राम, इसमें भी सब पद्धति में टाइम का मात्रक तो सेकेंड ही होता है। अब एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का इतिहास आपको बताया था और कहा था कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। क्या है तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है और इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रकाश के तीव्रता का मात्रक कैंडेला और क्या कहते हैं कि पदार्थ के परिमाण का मात्रक मूल होता है। यानी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग जो है उपयोग करते हैं और आज के आधुनिक युग में इसी सिस्टम का उपयोग होता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कोहरेंट सिस्टम भी बोलते हैं, कोहरेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग रेशनलाइज्ड किलोग्राम मीटर सेकेंड एम्पियर यानी RMKSA सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ लिखने में थोड़ा उल्टा हो गया, वो क्या कि रेशनलाइज मीटर किलोग्राम, किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम, RMKSA, रेशनलाइज का R, मीटर का M, किलोग्राम का K, सेकेंड का S, एम्पियर का E, रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के से इसका 4 नाम हो गया, एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम या कोहरेंट सिस्टम
ERM के FA सिस्टम और इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, प्रकाश के तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ के परिमाण को मोल में नापा जाता है, तौला जाता है। और आज के युग में इसी का उपयोग, आज के आधुनिक युग में प्रायः इसी का उपयोग किया जाता है। तो क्या है कि ये यूनिट एंड डायमेंशन था, ख़त्म हो गया। आप लोगों का जो नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पर, उसके साथ में इसका होमवर्क भी भेजे हैं, आप इसके होमवर्क को बना लीजिए। और नहीं भेजे हो, कहीं हम मिस कर रहे हों, तो आप लोग जो है हमसे उधर से पूछिए, बोलिए कि नहीं इसका क्वेश्चन आपने नहीं भेजा है, तो हम फिर से भेज देते हैं। और अगले दिन अर्थात कल स्केलर एंड वेक्टर बताएंगे, स्केलर एंड वेक्टर यानी अदिश एवं सदिश बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए।